आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया न्यूज, खबर के अंदर का सच। हम आप पर हुए जुल्म का करेंगे खुलासा। इस्लाम रामपुर जिले तहसील टांडा बदली में निकाय चुनाव निपटे तो प्रशासन काउंटिंग में बिजी हुआ। अब जब नए चेयरमैन मेहनाज जहां का चेहरा जीत के बाद सामने आया तो प्रशासन उनके आगे नमस्तक दिखाई दिया, जबकि नवनिर्वाचित चेयरमैन ने पालिका का कार्यभार भी नहीं संभाला है। मामला मीडिया के उस समय आया जब नगर पालिका में अपने काम को लेकर जब नगर पालिका पहुंचे तब वहां एक भी कर्मचारी नहीं मिला। वहां मौजूद एक संविदा कर्मी ने बताया कि सभी कर्मचारी चेयरमैन के घर पे हैं। निकाय चुनाव के बाद नव निर्वाचित चेयरमैन को कार्यभार संभालने से पहले नमस्तक हुआ टांडा। नगर पालिका का पूरा स्टाफ चेयरमैन के कार्यभार संभालने से पहले ही पालिका के सभी कर्मचारी नव निर्वाचित चेयरमैन के घर पहुंचकर मीटिंग कर रहे हैं, जबकि पालिका से संबंधित सभी कार्यों को पालिका में ही संपन्न किया जाता रहा है। साथ ही भाजपा के पूर्व अध्यक्ष पद प्रत्याशी श्रीमती शोभा रुहेला के बेटे रवि रुहेला ने बताया कि आज 12:30 बजे जब हम नगर पालिका टांडा पहुंचे तो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा कि नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी प्रियंका मिश्रा यहां नहीं है, कोई कर्मचारी यहां मौजूद नहीं है, बड़े बाबू भी यहां मौजूद नहीं है, पूरा नगर पालिका का कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। और मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी जो वर्तमान में चेयरमैन के चुनाव जीती हैं मेहनाज जहां और शहाबुद्दीन गौरी उनकी प्रतिनिधि, वह लोग अपने घर बैठकर सरकारी कर्मचारियों की मीटिंग से ले रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री नगर विकास सुरेश खन्ना जी से लिखित में वार्ता करके पहुंचाऊंगा और माननीय योगी जी को लिखकर दूंगा। यहां पर टांडा नगर पालिका को कोई भी मीटिंग या कोई भी पर नगर पालिका में बैठकर होना चाहिए। और अब जो चेयरमैन जीती है मेहनाज जहां, वह कर्मचारियों की घर पर ही मीटिंग कर रही हैं। भैया मुझे तो यहाँ बिठा दिया, मैं सब जितने भी कर्मचारी हैं वो गए ऑफिस में, तो कोई ना कोई स्टाफ बैठ नहीं है, तो ऑफिस में मैं एक प्राइवेट कर्मचारी हूँ, तो मैं ऑफिस में बैठा हूँ। अच्छा, बाकी सब लोग कहाँ गए? बाकी सब लोग मिलने गए वो किससे मिलने आएंगे से? मतलब चेयरमैन साहब को शुभकामना देने तो नहीं पहुँचे? हाँ सर, हो सकता है। अब मुझे ये तो पूरा विदित नहीं है ना, मुझे कोई बता के गए हैं, मुझे तो यहाँ बैठने की ड्यूटी है तो मैं बैठा हुआ हूँ। क्या नाम है आप? संजीव कहते हैं जी। बताइए सर, क्या मामला है? नगर पालिका में आप पहुँचे हैं और यहाँ कोई भी कर्मचारी उपस्थित नहीं है। मैं रवि रोहिला, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रही शोभा रोहिला का पुत्र हूँ, भाजपा का नेता हूँ। मैं नगर पालिका टांडा में आया अपने साथियों के साथ और यहाँ आकर देखा, बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण लगा। नगर पालिका की अधिशासी अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है, कोई कर्मचारी यहाँ मौजूद नहीं है, बड़े बाबू यहाँ मौजूद नहीं है, पूरा नगर पालिका का कार्यालय खाली पड़ा हुआ है। और मुझे सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि अभी जो वर्तमान में चेयरमैन चुनाव जीती हैं मेहनाज जहाँ और शहाबुद्दीन गौरी, क्या नाम है उनके प्रतिनिधि का, कि वो लोग अपने घर बैठ के सरकारी कर्मचारियों की मीटिंग ले रहे हैं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं माननीय मंत्री नगर विकास सुरेश खन्ना जी से आज लिखित में वार्ता करके ये बात पहुंचाऊंगा और माननीय योगी जी को लिख कर दूंगा कि यहाँ पर टांडा नगर पालिका को, जबकि मीटिंग या कोई भी कार्य नगर पालिका में बैठ के होने चाहिए। अब जो वर्तमान में चेयरमैन जीती हैं मेहनाज जहाँ, वो अपने घर कर्मचारियों की मीटिंग कर रही हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। 12:00 बजे नगर पालिका टांडा परिषद के कार्यालय में आया, अधिशासी अधिकारी के कार्यालय में गया, यहाँ जो मैडम है मिश्रा जी ईओ, वो भी अपने कार्यालय में मौजूद नहीं है। एक कर्मचारी प्राइवेट में बैठा हुआ यहाँ पाया गया, उसने हमें बताया कि वो ईओ साहिबा और यहाँ के जितने कर्मचारी हैं वो नवनिर्वाचित चेयरमैन मेहनाज जहाँ के। रामपुर से रविशंकर की रिपोर्ट।